नहीं बंदा ना चीज़ असगर सुल्तान माई चैनल इत्माद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। हमने चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन शुरू किए हुए हैं और हमने 4 क्वेश्चन कर लिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर। अगर n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो इसके लिए स्टेट द बाइनोमियर थ्योरम। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सिर्फ हमने बाइनोमियर थ्योरम का फार्मूला लिखना है। कौन सा पॉजिटिव थ्योरम का? बच्चों जोन सा बाइनोमियर थ्योरम का पॉजिटिव थ्योरम क्या हमारे पास a प्लस बी की पावर n। शुरू में लिखेंगे a की पावर n और आखिर पे क्या लिख देंगे प्लस बी की पावर n। बच्चों जोन सा बाइनोमियर थ्योरम का फार्मूले लिखने का तरीकाकार क्या है? शुरू में लिखेंगे a की पावर n और आखिर पे लिखेंगे b की पावर n। 1 से स्टार्ट ले लेंगे एनसीआर 1 a की पावर n माइनस 1 b की 1। एनसीआर 1 था अब एनसीआर 2 आएगा एनसीआर 2 a की पावर n माइनस 2 b की 2 प्लस एनसीआर 3 a की पावर n माइनस 3 b की 3 प्लस सो ऑन। बच्चों ये कौन सा फार्मूला है पॉजिटिव? अगर हमारे पास n ऊपर पावर पॉजिटिव है तो उसके ऊपर हमेशा बाइनोमियर थ्योरम का फार्मूला लगाएंगे। बाइनोमियर थ्योरम पॉजिटिव थ्योरम का फार्मूला लगाएंगे। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब करें क्वेश्चन नंबर 6। सिर्फ हमने इसके अंदर फार्मूला ही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 6 कैलकुलेट टू अप टू डेसिमल प्लेस। क्वेश्चन नंबर 6 1.02 ऊपर सारे होल की पावर 10 पर होल की पावर 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमने इसको कैलकुलेट करना है 2 डेसिमल प्लेस तक। 2 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या है बच्चों? अशारिये के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। अशारिये के बाद 2 डिजिट इसका मतलब क्या है? 2 डेसिमल 1.33 इसका मतलब क्या? देखो अशारिये के बाद सिर्फ 2 डिजिट होने चाहिए, 3 नहीं सिर्फ 2। इसका मतलब हमने अप टू डेसिमल तक 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लेके आना है इसका। और देखो पूरी रकम कौन सी आ गई? कांस्टेंट। बच्चों अगर पूरी वैल्यू कांस्टेंट आ जाए वहां पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? बाइनोमियर सीरीज का। बच्चों कौन सा फार्मूला लगाएंगे? बाइनोमियर सीरीज। अगर हमारे पास पूरी वैल्यू कांस्टेंट आ जाए वहां पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? बाइनोमियर सीरीज का। या अगर पहली टर्म 1 आ जाए वहां पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? बाइनोमियर सीरीज का। बच्चों बाइनोमियर सीरीज क्या हमारे पास? बाइनोमियर सीरीज, बाइनोमियर सीरीज, बाइनोमियर सीरीज। बच्चों बाइनोमियर सीरीज को कहते हैं नेगेटिव थ्योरम। बच्चों ये कौन सा थ्योरम है? नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर के लिए। बच्चों बाइनोमियर सीरीज को नेगेटिव थ्योरम भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हमारे पास? 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एन एक्स
1 plus nx plus n into n minus 1 over 2 factorial x square plus so on. प्लस सोवन बच्चों बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला वन प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरिया एक्स स्क्वायर। बच्चों ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेना है, याद कर लेना, इसकी बार बार प्रैक्टिस करके देखनी है, आप लोगों को अच्छी तरह फार्मूला तैयार हो जाएगा। इसका फार्मूला वन प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फिक्टोरिया एक्स स्क्वायर प्लस सोवन। बच्चों ये कौन सा फार्मूला है? बाइनोमियर सीरीज का, और इसको नेगेटिव थ्योरम भी कहते हैं। और ये अब देखो फिक्टोरिया आ गया, फिक्टोरिया की क्या फॉर्म, फिक्टोरिया का क्या फार्मूला, अगर आ जाता है वन फिक्टोरिया, इसको कैसे ओपन करेंगे, वन मल्टीप्लाई वन। अगर आ जाता है हमारे पास टू फिक्टोरिया, इसको कैसे ओपन करेंगे, टू मल्टीप्लाई वन। अगर आ जाता है हमारे पास थ्री फिक्टोरिया, थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन। अगर आ जाता है हमारे पास फोर फिक्टोरिया, फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन। अगर आ जाता है हमारे पास फाइव फिक्टोरिया, फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन। बच्चों ये तरीकाकार क्या है फिक्टोरिया ओपन करने का। बच्चों फिक्टोरिया कैसे ओपन करेंगे, अगर हमारे पास वन फिक्टोरिया वन मल्टीप्लाई वन, अगर हमारे पास टू फिक्टोरिया टू मल्टीप्लाई वन, अगर हमारे पास थ्री फिक्टोरिया तो कैसे ओपन करेंगे, थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन तक लेके जाना हमने। देखो यहाँ पर फाइव फिक्टोरिया, फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, और फिर इनको आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास फाइव फिक्टोरिया का आंसर आ जाएगा। अब हमने देखो ना, अगर पहली टर्म वन ना जाए वहां पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बाइनोमियल सीरीज। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म वन ना जाए, देखो यहां पर क्या है वन, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म वन ना जाए वहां पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे बाइनोमियल सीरीज का। बच्चों इसकी पहचान क्या, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाए वहां पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे बाइनोमियल सीरीज का। अब इसके अंदर 1.0.2 है, हम इसको इस तरह रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस 0.02, ऊपर होल की पावर 10 आ गई। सबसे पहले यहां पर क्या बनाएंगे, 1 बनाने के लिए इसको इस तरह लिख देंगे 1 प्लस 0.02। अब देखो ना, जब 1 में प्लस करेंगे 0.02 तो हमारे पास आंसर की कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ गया पॉइंट के नीचे पॉइंट, वन में जीरो ऐड करेंगे तो वन आ जाएगा। अब देखो ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि शुरू में हमने वन लेके आना है, अगर वन आएगा तो फिर लगा सकते हैं इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला। बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला कहां पर अप्लाई करेंगे, अगर जहां पर पहली टर्म वन आ जाए, अगर पहली टर्म वन है तो वहां पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे बाइनोमियल सीरीज का। बच्चों वहां पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला लगाएंगे। अब देखो ना, इसको पहले क्या बना लेंगे, 1 प्लस 0.02 लिख देंगे। अगर देखो ना, 1 में जब ऐड करेंगे 0.02 तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1.02। बच्चों यही आंसर आ जाएगा। बच्चों 1.02 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अब इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगा देंगे बाइनोमियल सीरीज का। जिसके ऊपर कौन सा लगा देंगे बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला लगा देंगे, वन प्लस 0.02 ऊपर पावर कितनी आ गई, 10 आ गई। 1 प्लस 0.02 ऊपर पावर कितनी आ गई, 10 इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा। n कितना, n की वैल्यू कितनी हमारे पास, 10 है। बच्चों ये पावर किसके बराबर, n के बराबर। n कितना आ गया हमारे पास, 10। x की वैल्यू क्या हमारे पास, 0.02। कंपेयर करें इसके साथ, देखो 1 के बराबर है और ये x की वैल्यू क्या हमारे पास, 0.02। n की वैल्यू हमारे पास 10 है। इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, 1 की जगह पर 1 की वैल्यू और n की जगह पर n की वैल्यू और x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूले के अंदर। अब x कितना हमारे पास, 0.02, ये प्लस n कितना हमारे पास, 10। बच्चों n कितना, 10 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरिया, फैक्टोरिया ओपन करेंगे
टू जरबे वन, एक्स कितना हमारे पास 0.02, ऊपर होल का स्केयर प्लस 101। बच्चों ये 101 नहीं छोड़ना आप लोगों ने, बच्चों ये 1 आ गया प्लस, अब 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चों 10 मल्टीप्लाई 0.02, 10 मल्टीप्लाई 0.02 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों कैलकुलेटर पे 0.2 प्लस ये 10। इसी तरह अब 10 में से माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 9, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, अब ये 0.02 का होल का स्केयर इसी तरह आ गया प्लस 101 प्लस 101, बच्चों ये 1 इसी तरह प्लस 0.02 प्लस 10 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा ओवर 2, 0.02 ऊपर पावर 2 प्लस 101, बच्चों ये 1 इसी तरह प्लस 0.02 प्लस, अब देखो 90 को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 45, 0.02 पर होल का स्केयर प्लस 101। अब यहाँ पर इकट्ठे को आंसर निकाल दें कैलकुलेटर पे, सबसे पहले 1 फिर प्लस 0.2 फिर प्लस 45 फिर मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई 0.02 ऊपर स्केयर है फिर स्केयर का बटन भी प्रेस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.218। हमने आंसर कहाँ तक देना है, 2 डेसिमल प्लेस तक, अशारिये के बाद 2 डिजिट तक। अब देखो अगर देखो ना अशारिये के बाद 2 डिजिट तक आंसर देना 1. अब देखो यहाँ पर कितना हमारे पास 8 है, अगर यहाँ पर 5 आ जाए या 5 से बड़ा डिजिट, अगर यहाँ पर अगर 5 आ जाए या 5 से बड़ा डिजिट तो पिछले में एक जमा कर देंगे, पिछले डिजिट में एक क्या करेंगे जमा कर देंगे, ये 1 है तो यहाँ पर 2 कर देंगे, ये था हमारा फाइनल आंसर। अगर यहाँ पर बच्चों 5 है या 5 से बड़ा नंबर है पिछले डिजिट में एक जमा कर देंगे, यहाँ पर 1 है तो 2 लिख देंगे, देखो 1.22 आ गया, अशारिये के बाद 2 डेसिमल तक आंसर दे दिया बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 6, अब करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 1.04 ऊपर पावर 5, ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, 1.04 ऊपर पावर 5। अब देखो ये पूरी वैल्यू कौन सी है, कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे बाइनोमियल सीरीज का, अगर पूरी वैल्यू कॉन्स्टेंट आ जाए तो वहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे बाइनोमियल सीरीज का, लेकिन बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला लगाने से पहले फार्मूले की एक शर्त है, वो कहता है मेरी पहली टर्म क्या होनी चाहिए 1। बच्चों बाइनोमियल सीरीज लगाने से पहले उसकी पहली टर्म क्या बनानी पड़ेगी 1 बनानी पड़ेगी, अगर पहली टर्म 1 है तो फिर लगा सकते हैं बाइनोमियल सीरीज, हम इसको इस तरह कर लिख देंगे 1 प्लस 0.04 ऊपर सारे की पावर 5, क्योंकि हमें पहले 1 चाहिए, फर्स्ट टर्म हमें 1 चाहिए, इसलिए देखो ना जब 1 में प्लस करेंगे 0.04 तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 0.4 आ गया, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा, देखो 1.04 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 प्लस 0.04 ऊपर पावर कितनी आ गई 5 आ गई। अब बच्चों क्या करेंगे वैल्यू फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे, बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला क्या हमारे पास 1 प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरिया x स्क्वायर। बच्चों ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेना है, 1 प्लस 0.04 ऊपर पावर कितनी आ गई 5,
वन की वैल्यू वन की जगह पर पुट कर देंगे, एन की वैल्यू क्या हमारे पास फाइव, एन किसके बराबर है फाइव के बराबर, एक्स किसके बराबर है 0.04, एक्स किसके बराबर है 0.04, एक्स हमारे पास 0.04 प्लस आ गया, एन की वैल्यू फाइव, एन की वैल्यू फाइव माइनस वन टू फिक्टोरिया, एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास 0.04 ऊपर होल का स्केयर प्लस सो वन। बच्चों सो वन नहीं छोड़ना, अगर आप लोगों ने ये सो वन छोड़ दिया तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। ये वन इसी तरह प्लस, अब फाइव को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0.04 के साथ, बच्चों फाइव मल्टीप्लाई 0.04 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 प्लस आ गया, ये फाइव इसी तरह, फाइव में से माइनस वन करेंगे कितना आ जाएगा फोर, फिक्टोरिया को ओपन कर देंगे टू मल्टीप्लाई वन, टू मल्टीप्लाई वन आ गया, ये 0.04 ऊपर होल का स्केयर इसी तरह प्लस सो वन, प्लस सो वन बच्चों ये वन इसी तरह प्लस 0.02 प्लस, देखो पाँच चार बीस बटा टू, 0.04 ऊपर होल का स्केयर प्लस सो वन, प्लस सो वन बच्चों ये वन इसी तरह 0.02। अब देखो दो एकम दो, दो एकम दो कितना आ जाएगा यहाँ पर बच्चों 10 आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 0.04 ऊपर होल का स्केयर प्लस सो वन। अब इसका कैलकुलेटर से इकट्ठा आंसर निकाल देंगे, सबसे पहले 1 का बटन प्रेस करेंगे, फिर प्लस 0.2 फिर प्लस आ गया 10 मल्टीप्लाई, देखो ना ये 10 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करेंगे 0.04 ऊपर स्केयर है, स्केयर का बटन भी प्रेस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.216। हमने आंसर कहाँ तक देना है, टू डेसिमल प्लेस तक, अशारिया के बाद टू डिजिट तक। अब देखो अगर ये जो सा हिंसा अगर यहाँ पर 5 आ जाए या 5 से ग्रेटर तो क्या करेंगे, पिछले एक डिजिट के अंदर 1 ऐड कर देंगे, ये 1.2 यहाँ पर 1 है तो 2 कर देंगे, ये था हमारा फाइनल आंसर बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।